को समझाया, 28 प्रकार के नरक बताए गए। अच्छा, लोग कहते क्या नरक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, स्वर्ग भी होता है, नरक भी होते हैं। वो बाहर होंगे, कहीं और लोक में होंगे, वो कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ अवश्य हैं। आप जैसा कार्य करोगे वैसा ही आपको परिणाम के अनुसार स्वर्ग और नरक है। होता नहीं है यहाँ पर, अगर आपने गलत किया तो माता पिता की ओर से चांटा पड़ेगा, ये हो गया आपके लिए नरक, यानी अपराध का दंड। और अगर अच्छा काम किया तो फिर बाइक दिलवाई जाएगी, फिर इच्छा पूरी की जाएगी, फिर जो तुम जो चाहोगे वो कार्य होंगे, ये होता है स्वर्ग। तो अच्छे कार्य करोगे आपको अच्छा कार्य यानी स्वर्ग। ये नहीं कहा कि स्वर्ग हमारे ऋषि मुनियों ने किसी लोक में जाकर के आप स्वर्ग भोगिएगा, उन्होंने कहा आप मनुष्य ही ऐसे कार्य करो कि ये धरा ही स्वर्ग बन जाए। राम जी जब गए थे कहां, अयोध्या को छोड़ करके, तब सुमित्रा जी ने यानी लक्ष्मण जी की मैया ने कहा अवध तहां जहां राम निवासु, अयोध्या यहां है ऐसा मत समझो लक्ष्मण, जहां राम है वहां अयोध्या है, जहां देवता व्रति वाले मनुष्य हैं वही स्वर्ग है, अन्यत्र कहीं नहीं है। वो स्वर्ग आप बनाते हैं, वो भी अपने विचारों से। अगर आपने अच्छे विचार रखे, अपने परिवार में प्रेमवत रह रहे हैं, याद रखिए कभी कभी, आजकल हमने बड़ा, ये पहले बड़ा परिवार संयुक्त रहता था, 10-10, 15-15 पूरा लोगों का परिवार एक साथ रहा करता था, एक ही जगह भोजन बनता था, बड़ा प्रेम था। आज से पूर्व के जो बुजुर्ग थे उनसे पूर्व के बुजुर्ग उसी तरह से उस परिवार को, संस्कार को लेके चले आ रहे थे कि चार भाई हैं तो उनकी बहुएं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, सब एक साथ और दो कमरे के अंदर सब पूरी जीवन बिता देते थे महाराज, इतना प्रेम था। आज हम इतने संकुचित और सिकड़े हुए हो गए, प्रेम इतना कम हो गया कि अब हर एक इंसान को एक कमरा चाहिए, फिर भी शांति नहीं, सबको अलग अलग चाहिए। याद रखिए अगर आप प्रेम और संबंध ही ना बना सके तो आपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इस जीवन में आने का उद्देश्य केवल अपने सुखों की पूर्ति करना नहीं है। जब तक आप स्वार्थ में रखोगे, केवल मैं और मेरा परिवार, केवल मेरे बच्चे और माता पिता, बस यही, और परिवार का कोई नहीं, तो आप संकुचित रहेंगे। लेकिन आपने अपना दायरा थोड़ा स्वार्थ का, निस्वार्थ भावना की ओर बढ़ा दिया, मैं, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे आइड साइड रहने वाले लोग, मेरे पड़ोसी, यहाँ तक कि मेरा ये समाज और मेरा राष्ट्र, अगर मुझे इस काबिल बनाया तो मैं राष्ट्र के लिए भी कार्य करूँगा। ऐसा निस्वार्थ भावना वाला मन आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। लेकिन हम बड़े संकुचित हो गए। याद रखिए अगर आप रिश्तों से कट गए, संबंध, अगर आप एकांकी जीवन जी रहे हैं कि नहीं हमें भाइयों से मतलब नहीं, माता पिता से मतलब नहीं, हम तो अपने घर में केवल अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे, तो वही बच्चे देख रहे हैं, कल वो आपको अलग कर देंगे, क्योंकि संस्कृति हम ही तो उन्हें सौंप रहे हैं। ये जीवन बिल्कुल ऐसा है। एक बालक ने अपने पिता से पूछा, पिता संबंध किसे कहते हैं? तो उनके पिताजी एक दिन पतंग उड़ाने ले गए, बालक को बहुत ऊंचाई तक पतंग दी, पतंग की वो जो डोरी थी और ढीली की, पतंग और आकाश में उड़ती चली गई। अचानक से पिता ने उस डोर को काट दिया, तो पतंग थोड़ी देर उड़ी, उसके बाद धीरे 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 जमीन पर गिर पड़ी। बच्चे ने कहा, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, पिता, बालक से कहा, पुत्र मैंने इसलिए कहा किया जिससे तुम्हें समझ आए, जब तक ये पतंग डोरी से जुड़ी थी ना, तभी पूरे आकाश की सैर कर रही थी और इसका होना, इसका अस्तित्व उसी से दिख रहा था क्योंकि वो डोर से जुड़ी थी, लेकिन डोर से कट जाने के बाद अब वो उड़ने लायक नहीं है, अब वो अकेली है नितांत, उसका सहयोग नहीं है। उसी प्रकार अगर आपने जीवन में प्रेम नहीं बनाया, संबंध अच्छे नहीं बनाए, तो जीवन में आप नितांत अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान भी ऐसे प्राप्त नहीं होंगे जब तक आप जगत से ना जुड़े। जगत से जुड़कर ही तो प्रभु को पाया जाता है, जगत से अच्छे संबंध बनाकर ही
आपने कुछ कमाया। किसी ने कहा व्यक्ति को एकदम नमक की तरह रहना चाहिए, अपने कार्यों का परिचय भी ना दो लेकिन आपकी अहमियतों को भी मत दिखाओ कि आपकी क्या अहमियत है। लेकिन जब आप थोड़ा सा भी अलग हो जाओ ना तो लोगों को आपका एहसास नजर आए। जैसे नमक होता है सब्जी में डलता है, कोई नमक की तारीफ करता है कोई नहीं करता, सब सब्जी की तारीफ करते हैं, वाह वाह कितने जोरदार बहुत आनंद वाली सब्जी बनाई। लेकिन आप चाहे कितने मसाले चाहे घी तेल कुछ भी डालना, कितनी भी कीमती सब्जी लेकर के आप जो करते हैं करना, लेकिन नमक मत डालिएगा तो क्या होगा? लोग आपको कहेंगे क्या पागल है इंसान है, किसने बनाई है इसमें नमक ही नहीं डाला। क्यों? एक नमक के खातिर पूरा सब्जी का वो स्वाद बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार जब आप भीड़ में रहो अपने कार्य करते रहो तो लोगों को पता ना चले, लेकिन आप भीड़ से अलग हुए नहीं कि लोगों को आपकी स्थिति आपका एहसास हो कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने महत्वपूर्ण थे। बस यही तो चीज़ रह जाती है। इसलिए हम अपने संबंधों को बेहतर बनाएं, लोगों से प्रेमवत रहें, परिवार से प्रेमवत रहें।